अगर उपाय है तो आप मुझे बताओ। प्रभु बड़ा दुखद समाचार आपने बताया है, परंतु आप तो कण कण में रहते हैं। सुनो माता, हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक बन गए। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक बन में लाए। प्रभु ज्यादा तो नहीं, एक मार्ग बताऊंगी माताएं बहने, ज्यादा नहीं, आप लोग आधा घंटा का समय और देंगी। जय श्री राम। आधे घंटे की लीला और आप लोग आधा घंटा और अपना समय दीजिएगा। जय श्री राम। प्रभु मैं जरूर बताऊंगी। आगे है ऋषि मुनि परिपति सुग्रीव वही परि रहता है, अपने भाई के दर से वह अत्यंत घोर दुख सहता है। सुधि मिल जाएगी जो कल यहां मुरझाई है, बस उसी जगह खिल जाएगी। प्रभु आप इधर से होते हुए जाएंगे तो उधर से आपको एक गुफा मिलेगी, वहां पे एक सुग्रीव नाम का बंदर आता है, उससे आपको कुछ ना कुछ सहायता जरूर मिलेगी। और मुझे अपनी अटल भक्ति प्रदान कीजिएगा प्रभु। ठीक है राम। आगे बढ़ा, हम कहते हैं राम। हनुमान देखना सो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग सांप बसे पानी प्रात
यद्यपि न यहाँ लेकिन जब तक जिंदा हूँ मैं वह चैन कहाँ पाऊँ निश्चय उसके गुप्त दूत मेरा भेद इसलिए प्रथम चतुराई से तुम पता ठिकाना यदि मेरा हो संदेह सही तो मुझे हनुमान जी बहुत चतुराई से पता लगाना अगर कोई भेदी है तो मुझे बताना मैं यहाँ से पहाड़ों के बीच में छिप जाऊंगा। ये कहा कि बुद्धिमानी है पहले ही छिप जाओगे वो कौन है क्या है मैं समझ लूंगा जा रहा हूँ इसके बाद मैं बताऊंगा आकर के। ठीक है आप पता लगा के आइए। ठीक है महाराज आप धीरज धरिए मैं कहा हूँ। ठीक है हनुमान जी मंगल मूरति राम दुलारे अन पड़ा प्रभु तेरे द्वारे हे बजरंग बली हनुमान हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण हे भाई आप लोग कौन हैं को तुम से बल गोर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरहु बन दिया कठिन भूमिका मल पद गामी पवन हे तू बन बिचरहु सानी मृदुल मनोहर सुंदर गाता कहत दुसह बन आतप माता तीन देव महतो नर नारायण की तुम दो हे भाई जग कारण तारण भाई
लोग इन कांटों और कुसाओं में कहां विचरण कर रहे हैं और ऐसे आपका पद लग रहे हैं कि जैसे तीनों देवों में से कोई है। हमें लगता है इस पृथ्वी का भार उतारने आए हैं। हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं और हम इस दंडक वन में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए आए थे और अपनी नारी सीता को संग लेके आए थे, लेकिन कुछ दुर्दिन ने ऐसा कर डाला हमारे साथ में। हमारी भार्या का हरण हो चुका है और हम उन्हीं को ढूंढते फिरते इधर उधर भटक रहे हैं। हमने अपना जो भी कथनी थी वो कह दी। अब विप्रवर आप बताइए, आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं इस दंडक वन में? हे भगवान, आप मुझे, मैं आपको पहचानने में देरी होगी। श्री महाराज, हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। सुनो भगवान, हम आपको पहचानने में देरी हो गई और आप मुझे भी नहीं पहचाने। माता लक्ष्मण, सुनो भगवान, जिस सिया भाम उसका हम दिया जलाएंगे, आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। भगवान बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का तो खत्म करेंगे। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाए, धरती दुष्टों से हीन करे, इस तन पर प्राण लड़ाएंगे। भगवान कौन पुत्र, यही ऋषिमुख पर्वत पर हमारे राजा सुग्रीव रहते हैं। हम उन्हीं के पास आपको लेकर के चलते हैं और आपकी सारी व्यथा वहीं पर हल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भगवान, आइए
हम आपको आकाश मार्ग से लेकर के चलते हैं। यही आप लोग ठहरिए, इसी गुफा के अंदर हमारे स्वामी सुग्रीव रहते हैं, आप लोग यही ठहरो ठीक है पवन, और मैं उनको सारी बातें बता करके उनको लिवा करके आता हूँ। ठीक है पवन, ठीक है। जय श्री राम। हनुमान जी कौन है ये लोग? हाँ राजन, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण। ये बहुत शुभ अवसर है राजन, इनकी नारी इसी जंगल में राक्षस लोग हर लिए, और इतना शुभ समय है, उनसे चल करके राजन मित्रता करिए और उनको आदर सहित विवाह ये गेट पर दरवाजे पर उनको खड़ा करके आया। चलिए अभी मिलते हैं, आइए। महाराजा सुग्रीव, मित्र पैर नहीं छूते हैं, गले लगते हैं, और आप हमारे मित्र ही हैं। जैसा कि पवन पुत्र ने बताया कि आप इसी गुफा में रहते हैं, और हमारी सारी कथा मैंने पवन पुत्र से बता दी थी, तो उन्होंने आपको बताया है? हाँ प्रभु, बताया है। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो यह नजारा है, विमाने एक आवाज कुछ रोने राक्षस के पद पर पड़ी हुई शायद वे जनक नंदन। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला भड़काती जाती, प्रभु हम लोगों ने देखा कि ऊपर से ही विमान एक गुजरा और कुछ गिरा भी था, कुंडल जो हनुमान जी के पास रखा हुआ है। हाँ भगवान, उस आभूषण गिरा हुआ था, हम लोग रखे हैं। ठीक है हनुमान जी लाइए। ठीक का कुंडल है कानों का, ये वही कुंडल है
जो कभी कानों में रहता था। हे भ्राता लक्ष्मण सुनो, भाई यह वही कुंडल है जो कभी कान में तुझको हृदय लगा लूं मैं सीता का तुझ पर।